हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का हमारे चैनल एडिफिकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आज है 25 जून और 25 जून के करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बने हैं वे हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप इसे अपने सभी दोस्तों और आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और आप लोग कोशिश करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना अंत तक देखें, मिस ना करें। चलते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं मोटिवेशन लाइन से कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। यानी कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कोई ना कोई समस्या नहीं है। वह हर इंसान किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, जिसका सॉल्यूशन ना हो। सभी समस्याओं का सॉल्यूशन पॉसिबल है, और मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से जाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा जो टारगेट है, कोई भी समस्या है, उसको सॉल्व जो है वो केवल हम खुद ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। तो आप लोग हमेशा तैयार रहिए, चाहे कोई भी समस्या आए उसका समाधान हम खुद कर लेंगे। चलते हैं सेशन पर। जैसे कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने युक्ति के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो यह किए हैं रमेश पोखरियाल, जो कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, और इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युक्ति 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के जरिए कोरोना वायरस को मद्देनजर में रखते हुए संसाधन विकास के कार्यों को बढ़ावा देना है। जो छात्र हैं उनके शिक्षण संस्थानों के पूर्व छात्रों और उनके संबंधित उनसे संबंधित जितने भी कार्य होंगे उसका समाधान करना है। नई तकनीकों, उत्पादों, नवाचारों और स्टार्टअप्स पर सूचनाओं का भंडार बनाकर राष्ट्रीय नवाचार और प्रौद्योगिकी डेटाबेस को तैयार करना है। इसके माध्यम से सभी संस्थाएं दो तरफा संचार माध्यम के द्वारा सीधे मंत्रालय से जुड़ेंगी, ताकि मंत्रालय तुरंत सहायता उपलब्ध करा सके। उम्मीद तो यही है ऐसा ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मृत्यु पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख अनुदान देने की बात की है। तो यह की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अगर कोविड-19 के कारण बिजली की कंपनी महावितरण कंपनी के कर्मचारी की मौत होती है तो उनके परिजन को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन रावत ने यह घोषणा किया। इन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र के करीब 2,60,000 ग्राहक को महावितरण कंपनी बिजली सरल तरीके से मुहैया कराती है। अगर इसमें कहीं भी बिजली में कहीं भी कोई समस्या आती है तो जो कर्मचारी हैं अगर उसको सही करने के लिए जाते हैं तो उन्हें कोरोना वायरस होने के ज्यादा खतरे हैं। भगवान न करे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इस स्थिति में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्हें उनके परिजन को 30 लाख रुपए देने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रमुख संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने की बात कही है। तो यह बोली है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। जैसा कि यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, खंड विकास कार्यालय और राज्य की सभी प्रमुख संस्थानों के कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट किसे पेटेंट मिला है। तो यह मिला है इसरो को। जैसा कि LCSG पहनने वाले शरीर के सभी मतलब जो भी अंतरिक्ष में जो भी लोग जाएंगे, जो भी सेनाएं जा रही हैं, तो उनके जो बॉडी का टेम्परेचर होगा इसको मेंटेन करेगा। जो उनके शरीर की जो हीटिंग होगी उन्हें बाहर समय समय पर वह निकालता रहेगा। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी एक सप्ताह यानी एक वीक के लिए 3 वायुसेना के पायलटों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना गगनयान पर काम कर रही है। 4 भारतीय वायुसेना के पायलट रूस के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कर रहे हैं, जिसमें से 3 400 किलोमीटर ऊंचाई पर अंतरिक्ष में जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस बैंक ने KVL माइक्रो मित्र लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है कर्नाटक बैंक ने। जैसा कि कर्नाटक बैंक ने किया है तो हम इसके बारे में देखते हैं। कर्नाटक बैंक ने छोटे उद्यमियों के KVL माइक्रो मित्रो नामक एक उत्पाद लॉन्च किया है। हाल ही में इन्होंने इस उत्पाद के अंतर्गत माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की पेशकश की जाएगी। जो कर्नाटक बैंक है इसका हेडक्वार्टर मैंगलोर भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसने अपनी पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेंड इंडिया के लॉन्च करने की बात कही है? तो अमित त्रिपाठी ने कही है। यह पुस्तक राजा सुहेल देव के जीवन पर आधारित है। पुस्तक के प्रकाशक वेस्टलैंड प्रकाशन ने इंफॉर्मेशन दी है कि लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया यह पुस्तक 11वीं सदी के भारत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे IFTAS का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह बनाया गया है टी रविशंकर को। जैसा कि टी रविशंकर को बनाया गया है तो हम इसके बारे में देखते हैं। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, जो कि IFTAS का फुल फॉर्म है, इन्हें इसमें टीवी रविशंकर को अध्यक्ष बनाया गया है। संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। IFTAS का हेडक्वार्टर जो है वह है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह किया है चाइना ने। जैसा कि बीते दिनों चाइना ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे से की गति से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पढ़ो लर्निंग खेलो एक्टिव परियोजना की घोषणा की है? तो यह की है त्रिपुरा गवर्नमेंट। जैसा कि त्रिपुरा सरकार ने एक्टिव खेलो एक्टिव पढ़ो योजना शुरू की है, जो कि प्ले लिटिल स्टडी लिटिल का अनुवाद है, और यह योजना आज से यानी 25 जून 2020 से प्रभावी हो जाएगा। जैसा कि त्रिपुरा की जो राजधानी है वह है अगरतला, और इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस, और यहाँ के जो सीएम है वह है बिप्लो कुमार देव। यहाँ पर विधानसभा की 60 सीट और राज्यसभा की 1 सीट तथा लोकसभा की 2 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में गीता पासी को किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है इथोपिया में। जैसा कि यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। फ्रेंड्स, आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग अपने कीमती सुझाव हम तक कमेंट के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। सॉरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।